Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and in this video we are going to talk about one more important topic for your MSO004, that is Sociology in India. Sociology in India में आपका जो ये first year का subject है, इस पर हम एक topic पे और बात करने वाले हैं. Although ये topics मैं notes के साथ already आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, but again यहाँ पे हम revision form में बात कर रहे हैं. तो पुरानी video जिसने देखी देख ली है वो भी, और जिसने नहीं देखी है वो भी, आप इसको सुन के अपने topic को revise कर सकते हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे impact of colonial rule in India. औपनिवेशिकरण, जो औपनिवेशिकरण था उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा. जब भी किसी चीज के प्रभाव पूछे जाते हैं हमसे, जब भी किसी भी टॉपिक का इम्पैक्ट पूछा जाता है, मैं मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ कि इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी चीज के अच्छे इम्पैक्ट हैं या किसी चीज की नेगेटिव बात करोगे, अनलेस एंड अंटिल उसने आपको स्पेसिफाई नहीं करा है. अगर सिर्फ प्रभाव पूछा है तो आप अच्छे बुरे दोनों प्रभाव बताओगे. सबसे पहले तो बताइए कॉलोनियल रूल था क्या. ब्रिटिशर ने इतने टाइम पे इंडिया पे रूल करा. कॉलोनियलिज्म जो होता है वो ये होता है जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीजों को, सबको कैप्चर कर रही है और अपना रूल वहां पे एस्टैब्लिश कर रही है, तो वो कॉलोनिज्म कहलाता है. लाइक ब्रिटिशर्स डिड विद इंडिया. इंडिया में यूरोपियन का एडवेंट हुआ था ड्यू टू द बिजनेस पर्पज, ट्रेड पर्पज, बट लेटर ऑन जो उसमें से ब्रिटिशर्स थे दे कैप्चर इंडिया. सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली इंडिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था. राइट. अब कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडिया के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले. पॉजिटिव में आप मेंशन कर सकते हो दैट ब्रिटिशर की वजह से यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ठीक है अगर ब्रिटिशर नहीं होते तो भी होता, ये वो डिबेटेबल टॉपिक नहीं है. अभी वो थे तो क्या चीजें हुई अच्छी और क्या खराब हुई, ये चीज की हम बात करेंगे. तो फर्स्ट चीज जो यहाँ पे आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ, रेलवेज, ये सारी चीजें. ब्रिटिशर के आने के बाद यहाँ रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी. फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने स्टार्ट की गई इंडिया की हम बात करें तो. ऑल दो ब्रिटिशर उनको अपने पर्पज के लिए यूज कर रहे थे सो दैट वो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड का ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सके, बट स्टिल यहां पे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ एंड रेलवे, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया में वो चीज आ रही थी और इंडिया को बेनिफिट हो रहा था. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो स्ट्रेंथन हो रहा था, लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस एंड दैट, ये चीजें वर्क कर रही थी. उसके अलावा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो ब्रिटिशर थे उनकी वजह से यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो फीचर था वो देखने को मिल रहा था. कैपिटलिज्म मतलब ट्रेड, प्रॉफिट मोटिव, ये चीजें हमें इंट्रोडक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा था. प्लस उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं आ रहा था, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे आपका वो लिविंग स्टाइल हो, मॉडर्नाइजेशन हर जगह देखने को मिल रहा था. मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन आप लिख सकते हो. एंड इस मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमें देखने को मिला था यहाँ पे एंड ऑफ द सोशल इविल्स, जो हमारे समाज में जो सामाजिक कुरीतियां थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो. मैं कोशिश कर रही हूं कुछ हिंदी वर्ड भी बोलने के साथ के साथ, सो दैट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अपने वर्ड्स को पकड़ के यहां पे माइंड में रख सके. सामाजिक कुरीतियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी. जैसे हमारे यहां जो पर्सन थे राजा राम मोहन रॉय ने सती को बैन करने की बात की थी, तो जो उस समय के ब्रिटिश गवर्नर थे विलियम मेंटेक वो सपोर्ट में थे इस चीज के, तो रूल आया था सती के लिए, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, और सती प्रथा को बैन किया गया था. इसके अलावा और भी इंडिया के लोग जो अवेयर हो गए थे इस चीज से कि ये चीजें गलत हो रही है, उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था. सोशल एविलेंट हो रहे थे, प्लस ब्रिटिशर की इस पर्टिकुलर जो आप एक सप्रेस कर रहे हो इंडियंस को उससे, और ये जो मॉडर्नाइजेशन और ये सब आ रहा था उससे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कहीं ना कहीं जन्म लेती हुई देखने को मिली. जब आप अवेयर हो रहे हो, एजुकेट हो रहे हो, तभी तो आपको चीजें समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तभी आप अपने लिए आवाज उठा पा रहे हो. तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म भी कहीं ना कहीं एक इस चीज का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है. बट क्या सारी पॉजिटिव चीजें थी? नहीं, नेगेटिव बिल्कुल है. कोई दूसरी कंट्री को रूल कर रहा है, अपने डिसीजन हम पे इम्पोज कर रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी, आपका डेवलपमेंट इशू, बिकॉज इंडिया जो है वो ओनली इकोनॉमिक लेवल पे हम बात करें तो ओनली जो है वो एक्सपोर्टर बन के रह गया था रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड बाहर से बन के आते थे, तो इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड होते जा रहे थे. हम ओनली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, ये चीज हमें प्रॉब्लमैटिक, ये चीज हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थी. कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ब्रिटिशर का बहुत ज्यादा था. वी कैन सी द कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इंडिया पे देखने को मिल रहा था, और इंडिया की जो रूट्स थी, जो इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यू, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, वो कहीं पीछे जाता हुआ देखने को मिल रहा था. पॉलिटिकली तो इंडिया का स्टैंड ही नहीं था, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था. पॉलिटिकल जितनी भी पोस्ट थी, अथॉरिटी थी, डिसीजन मेकिंग थी, ये सब कौन ले रहा था? ब्रिटिशर ले रहे थे. तो इम्पैक्ट कल्चरली भी नेगेटिव था, सोशली भी नेगेटिव था, पॉलिटिकली भी नेगेटिव था, इकोनॉमिकली भी नेगेटिव था. तो ये सारे देखिए बेनिफिट आप बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ एंड रेलवे, मॉडर्नाइजेशन, नेशनलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कास्ट सिस्टम को जज करना स्टार्ट करा था, तो सोशल लेवल का एंड करना, और ये सब कास्ट सेंसस करवाया था कंडक्ट,
ऑल दो ये सब चीजें इन्होंने करी अपने फायदे के लिए, इंडियंस का बेनिफिट ये नहीं देख रहे थे, बट वो चीजें वहां से मतलब हमें देखने को मिली इंडिया में. ये सब नेगेटिव में आप इस तरीके से बना सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव पड़ा, पॉलिटी पे क्या नेगेटिव पड़ा, कल्चर पे क्या नेगेटिव पड़ा, सोसाइटी पे क्या नेगेटिव पड़ा. दैट्स हाउ यू कैन कंक्लूड दिस आंसर. कॉलोनिज्म का मीनिंग बताते हुए किस तरीके से ब्रिटिशर आए और एक लंबे समय तक 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, इनिशियली ट्रेड में इन्वॉल्व थी, धीरे धीरे उसने पॉलिटिकली कैप्चर करना स्टार्ट करा और बहुत लंबे समय तक इंडिया पे उसने रूल करा. इम्पैक्ट रहे एक लंबे समय रूल करने की वजह से उसने बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डिसीजन यहां पे लिए. वो कुछ हद तक कुछ चीजें हमारे लिए पॉजिटिव रही और वहीं कुछ चीजें हमारे लिए नेगेटिव भी थी. लास्ट में आप कंक्लूड करोगे कि ठीक है हमने वहां से कुछ चीजें अडॉप्ट करी या हम उनकी कुछ पॉजिटिव चीजों को इनकलकेट करके अपने सिस्टम में चल रहे हैं. लाइक अब पॉलिटिकल सिस्टम देखो, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी चीजें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं, बट स्टिल डिसीजन मेकिंग राइट खुद कंट्री के पास, कंट्री के लोगों के पास होना चाहिए. और एक कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो एक बेसिक एक तरीके से बेसिक नेसेसिटी है, दैट नीड टू बी देयर, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस आंसर. छोटा सा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. बाकी कॉलोनिज्म वगैरह मैंने पेड क्लास में ऑलरेडी समझाया. स्टिल अगर किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो वीडियो देखिए, और अगर देख लिए और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू एवरीवन. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.